कर्नाटक जंग की जीत के लिए कोशिशों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस आज से 3 दिन तक कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी, तो पीएम मोदी भी करेंगे कई जनसभा। चंबा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, कहा हिमाचल में जल्द होगा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, प्रदेश में की जा रही है डॉक्टरों की भर्तियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल से शादी की अफवाहों को एमएलए आदित्य ने किया खंडन, राहुल गांधी से शादी की बातों को बताया अफवाह, राहुल गांधी को अपने बड़े भाई जैसा और राखी वाला भाई बताया। निजी स्कूलों ने यूपी सरकार के फीस अध्यादेश को एससी में दी चुनौती, याचिका दाखिल कर यूपी सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल अध्यादेश 2018 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किए जाने की मांग की। जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में आगजनी का मामला, पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई, मामले की सीबीआई अभी तक नहीं कर पाई है चार्जशीट दायर। देश के 15 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अंदेशा, मौसम विभाग के बाद गृह मंत्रालय ने भी दी चेतावनी, कई शहरों में जताई तबाही की आशंका। भारी तूफान और बारिश के अलर्ट के बाद से हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेश, 2 दिन तक हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल रहेंगे बंद।